नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ टीवी चैनल। आज की बड़ी खबर, सुपरस्टार मोहनलाल प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं। उन्होंने आज शनिवार 3 अगस्त को केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित बुड़क्कई का दौरा किया। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में अभिनेता की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आए। मेपाड़ी में अस्थायी सेना शिविर में सेना के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद अभिनेता सेना के वाहन से बुड़क्कई पहुँचे। उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी। एक वीडियो में वह मौके पर बचाव अभियान चला रहे सेना के जवानों से बातचीत करते नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए अभिनेता ने कहा, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हम हमेशा मजबूत बनकर उभरे हैं। आइए हम एकजुट रहें और इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपनी दृढ़ता का प्रदर्शन करें। भूस्खलन वाले इलाके का दौरा करने से पहले मोहनलाल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर वायनाड के लोगों की दृढ़ता की सराहना की। पोस्ट साझा करते हुए अभिनेता ने लिखा, वायनाड के लोगों की दृढ़ता वाकई प्रेरणादायक है। इन मुश्किल समय में भारतीय सेना को उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा देखना दिल को छू लेने वाली बात है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में 122 इन्फेंट्री बटालियन टीए मद्रास के प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया, जो राहत मिशन में सबसे आगे रहे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में भी 25 लाख रुपए का योगदान दिया। अभिनेता को 2009 में भारतीय प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक रैंक प्रदान की गई थी। वायनाड के चुरलमाला और मुदक्कई में 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या शुक्रवार 2 अगस्त तक 308 तक पहुँच गई। पीटीआई के अनुसार 215 शव और 143 अंग बरामद किए गए हैं, जिनमें 98 पुरुष, 87 महिलाएं और 30 बच्चे शामिल हैं। अब तक 212 शवों और 140 शवों के अंगों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है और 148 शवों की पहचान उनके रिश्तेदारों ने की है।